हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई सेवा अकाउंट डिलीट कैसे करें, किसी भी रीज़न की वजह से कैसे अपना ई सेवा अकाउंट डिलीट करना है, यही इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू बताऊंगा, तो जीमेल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखना है नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना नाम लिखना है और स्पेस देके फिर नंबर का कॉलम लिख के नंबर डाल देना है रजिस्टर वाला। उसके बाद लास्ट कॉलम आएगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ डिलीट माय ई सेवा अकाउंट बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दिस ऐप एनी मोर। इसका मतलब यहाँ पे आप इसलिए डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि ये ऐप आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर आपको सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ हम उसी से रिलेटेड लिखेंगे ई सेवा अकाउंट डिलीट रिक्वेस्ट। फिर यहाँ पे जीमेल आईडी मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे आपको जीमेल आईडी कॉपी कर लेना है। उसके बाद ही आपको अपना ईमेल सेंड करना है, लेकिन सेंड करने से पहले आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक करना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तो यहाँ पे आपका ई सेवा अकाउंट डिलीट नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से ईमेल चेक करने के बाद आपको ब्लू एरो आइकॉन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना ईमेल ई सेवा अकाउंट डिलीट का सेंड कर देना है ई सेवा को। उसके बाद सेंड करने के बाद सेंड के ऑप्शन में जाके आप ईमेल चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल सेंड हुआ है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे कुछ देर के बाद रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और 48 आवर्स के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर केयर की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि आप क्या जो ई सेवा अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू अपना ई सेवा अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी भी रीज़न की वजह से ये ऑप्शन वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ई सेवा के कस्टमर केयर से बात करना है, एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे जाएंगे तो कस्टमर केयर के साथ लाइव चैट के थ्रू और वाया कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आपको कस्टमर केयर से बात करते टाइम यहाँ पे ई सेवा अकाउंट डिलीट करने का प्रोसीजर पूछना है, जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर की तरफ से बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, और वहाँ से भी आप अपना ई सेवा अकाउंट डिलीट कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग ऑप्शन मैंने बता दिया है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके ई सेवा अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ई सेवा अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।